हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्किन स्मूथ और हेयर एडिटिंग। देखो, आप लोग जब तक अपना फोटो में स्किन स्मूथ और अच्छा से हेयर को एडिटिंग नहीं करोगे, तब तक अपना फ़ोटो उतना अच्छा नहीं लगेगा। भले आप लोग जितना भी अच्छा कलर टोन क्यों ना डाल लो अपना फ़ोटो में, उतना अच्छा देखने में नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो कम्प्लीट स्किन स्मूथ और हेयर एडिटिंग के ऊपर होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को इस वाला एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है एडोब फोटोशॉप फिक्स। ये एप्लीकेशन आप लोगों को ईजिली प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। चलो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस आइकन में जाना होगा, फिर यहाँ से मोबाइल के आइकन में जाना होगा। मोबाइल के आइकन में जाने के बाद यहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैं इस वाले फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले हम लोग स्किन स्मूथ करेंगे, फिर हेयर एडिटिंग करेंगे। तो स्किन स्मूथ करने के लिए यहाँ से इसको कुछ स्टेप से स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से देख सकते हो स्मूथ, यहाँ स्मूथ वाला में जाना होगा। यहाँ से फिर जाने के बाद इसका हार्डनेस को यहाँ से 50 या 60 के आसपास रखना होगा। इसका ओपेसिटी को अराउंड 75 के आसपास रख देते हैं। फिर इसका साइज को देखना अपना फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं कुछ इतना रखता हूँ। इतना रखने के बाद कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेना। जहाँ जहाँ ब्रश करोगे वहाँ वहाँ स्मूथ हो जाएगा। ध्यान रखना, जहाँ एक बार ब्रश करोगे वहाँ दोबारा ब्रश करना नहीं है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा फोटो। देख सकते हो कितना अच्छा से स्मूथ हो जा रहा है। कुछ स्टेप से ब्रश कर लेना होगा। देख सकते हो पूरा इजीली स्मूथ हो जा रहा है अच्छा से। ध्यान रख के हेयर, जहाँ जहाँ हेयर रहेगा वहाँ आप लोग को ये ब्लॉक ब्रश को पहुंचाना नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। जितना टाइम लोगे आप उतना अच्छा स्किन स्मूथ कर पाओगे। तो आप लोग आराम से कर लेना। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना डिफरेंस आ गया है अपना स्किन में, कितना इजीली अपना स्किन स्मूथ हो चुका है। स्किन स्मूथ करने के बाद यहाँ से इसको राइट कर लेंगे। यहाँ से राइट करने के बाद अभी क्या करते हैं, अपना हेयर को एडिट करते हैं। हेयर एडिटिंग करने के लिए यहाँ से इस लिक्विफाई में जाना होगा। लिक्विफाई में जाने के बाद यहाँ से यहाँ वॉक में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो ब्रश, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका साइज को कुछ स्टेप से छोटा बड़ा कर लेना अपना फ़ोटो के हिसाब से। तो मैं कुछ इतना कर लेता हूँ। इतना करने के बाद जिस डायरेक्शन में आप लोग अपना हेयर को करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में आप लोग कुछ स्टेप से टैप करके खींचना होगा। कुछ स्टेप से देख सकते हो हेयर कितना अच्छा से स्ट्रेट हो जा रहा है। आप लोग यहाँ से जितना बड़ा करना चाहोगे उतना बड़ा कर सकते हो अपना हेयर को। देख सकते हो अभी बिफोर आफ्टर कितना डिफरेंस। कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ से हेयर एडिट हुआ है, कितना डिफरेंस आ गया अपना फोटो में। लोग अपना हिसाब से जितना भी बड़ा कर सकते हो अपना हेयर को, कोई बोल नहीं सकेगा कि हेयर यहाँ से एडिट हुआ है। देख सकते हो बिफोर आफ्टर कितना डिफरेंस। इतना कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से राइट कर देंगे। राइट करने के बाद यहाँ से इस शेयर वाला में क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे गैलरी में।
ये वाला फ़ोटो अपना गैलरी में सेव हो चुका है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बाय।